कंबोडिया में बना अंकोर वाट का विष्णु मंदिर वेटिकन सिटी के आकार का 4 गुना है। ये विश्व का सबसे विशाल धार्मिक परिसर है। मंदिर को पूरा देखने में 1 सप्ताह का समय चाहिए होता है। आज के मशीनी युग में भी यदि ऐसा कोई मंदिर बनाना चाहे तो संभव नहीं है, पर ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक नहीं। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश मंदिर और अन्य मंदिरों को विशाल शिलाखंड काटकर बनाया गया है। ये विश्व का इकलौता 2 तल्ला भवन है जिसे नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। इसे बनाने में 1 से 1.5 शताब्दी लगने का अनुमान जताया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में कैलाश मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है। फिर भी अलोरा का कैलाश मंदिर वर्ल्ड के 7 वंडर्स में नहीं है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में ये ऐरावतेश्वर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के हर इंच पर नक्काशी बनाई गई है। लगभग 800 वर्ष पहले बनाए गए इस मंदिर को विश्व की सुंदरतम मानव निर्मित संरचनाओं में से एक कहा जा सकता है। किंतु ऐरावतेश्वर मंदिर भी विश्व के 7 आश्चर्यों में नहीं है। दुनिया तो क्या, भारत में भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। यही कहानी तमिलनाडु के तंजावुर में बने बृहदेश्वर मंदिर की है। इसके शिखर पर लगे 120 टन के पत्थर को कैसे वहां तक पहुंचाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य है। अनुमान है कि इसके लिए 60 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया होगा। यहाँ की शिल्पकला इतनी जटिल है कि आज आधुनिक मशीनों से इसे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये मंदिर भी विश्व के 7 तो क्या आश्चर्यजनक स्थानों की किसी सूची में नहीं मिलेगा। उड़ीसा में बना कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 फीट व्यास के 24 पहिए जो घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहियों में लगी 8 तीलियां दिन चक्र का प्रतीक हैं, और ये पूरा चित्रण बताता है कि कैसे सूर्य द्वारा धरती पर समय को नियंत्रित किया जाता है। 800 वर्ष पहले जब विश्व के अन्य भागों में मानव सभ्यताएं अविकसित रूपों में थी, तब भारतीयों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति का पता था। किंतु कोणार्क का सूर्य मंदिर भी दुनिया के 7 आश्चर्यों में नहीं है। गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर की भी यही कथा है। ये एक उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिर परिसर है। यहाँ बने जलाशय और प्रवेश मार्ग पूर्व की ओर सूर्य की किरणों का स्वागत करते हैं। पूरी संरचना सूर्य देवता के लिए एक पुष्प कमल के समान तैरती सी दिखती है। कोणार्क की तरह मोढेरा सूर्य मंदिर भी विश्व के आश्चर्यों में नहीं है। गुजरात के पाटन में बनी रानी की वाव एक पति के लिए पत्नी के प्रेम की अद्भुत निशानी है। ये बावड़ी या स्टेप वेल पूरे 1000 वर्ष पहले बनाई गई थी। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयामती ने इसे उनकी स्मृति में बनवाया था। इस बावड़ी को एक तरह से उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें विभिन्न स्तरों पर भगवान विष्णु की 500 से अधिक सुंदर मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त 1000 से अधिक धार्मिक कथाओं को शिल्प कला में उभारा गया है। लेकिन रानी की वाव भी विश्व के आश्चर्यों में नहीं है। कर्नाटक में हम्पी के खंडहरों में 500 से अधिक स्मारक हैं। इनमें आकर्षक मंदिर, महलों के खंडहर, शाही मंडप, गढ़, ऐतिहासिक खजाने, जलीय संरचनाओं के पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन बाजार सम्मिलित हैं। इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा कई दशक तक तोड़े जाने के बाद भी हम्पी का वैभव
बना हुआ है, लेकिन विश्व के आश्चर्यों में इसकी गिनती नहीं है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है, जबकि इटली में बनी पीसा की मीनार केवल 4 डिग्री झुकी हुई है। पीसा की मीनार ठोस भूमि पर बनी है, जबकि वर्ष के अधिकांश समय रत्नेश्वर मंदिर का निचला हिस्सा गंगा जी में डूबा रहता है। फिर भी रत्नेश्वर महादेव का नाम विश्व के आश्चर्यों की सूची में नहीं। विश्व के आश्चर्यों की सूची वे लोग बनाते हैं जिन्हें अलग अलग कारणों से भारत और भारतीय सभ्यता से घृणा है। वे किसी मंदिर को वर्ल्ड वंडर मान लेंगे तो इससे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के अब्राहमिक मजहबों के अभियान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए उनसे कोई आशा रखना व्यर्थ है। वास्तविक समस्या ये है कि अपने धरोहरों की जानकारी स्वयं हमें भी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद की सरकारें भी नहीं चाहती थीं कि भारतीयों के अंदर कभी आत्म गौरव की भावना आने पाए, लेकिन अब समय बदल रहा है। मुगल स्थापत्य के नाम पर जिन मकबरों का महिमा मंडन किया जाता रहा है, उनका सत्य आज सबको पता है। भारत के हिंदू वैभव के इन प्रतीक स्थानों की यात्रा पर जाइए, इनके चित्र अपने मित्रों और परिवार के बीच साझा कीजिए। पहले हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा, तभी विश्व भी हमारा लोहा मानेगा।